नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसे अगर आप नोटिस करोगे ना तो आप ये कंफर्म हो जाओगे कि वो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है आप ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते होगे क्योंकि यार क्या होता है लड़कियाँ ना बड़ी अजीब होती है। ठीक है, अगर हम ना किसी लड़की को पसंद करते हैं, हम उसे सच्चा प्यार करते हैं ना, तो हमारे शक्ल से दिख जाता है कि हम उस लड़की से कितना प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन लड़कियों का ना ऐसा नहीं होता। लड़कियाँ ना आपको कुछ कुछ हिंट देती है जिसका मतलब आपको खुद समझना होता है। ठीक है, और अगर आप इस मतलब को समझ जाते हो तो आप अच्छे से कन्फर्म हो जाओगे कि हाँ भाई वो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है। ठीक है, वरना भाई आप ना कंफ्यूजन में ही मर जाओगे। तो यार इस वाली वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि वो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। अगर आपके पास समय कम है तो आप इस वीडियो की रफ्तार को बढ़ा सकते हो, इससे आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे और आपका समय भी कम लगेगा। तो यार बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। तो भाई जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि आपकी कही गई सारी बातों को ना वो लड़की याद रखेगी। भाई क्या होता है, अगर वो लड़की ना आपसे सच्चा प्यार करती होगी और आप ना अगर उस लड़की के दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब रहते हो तो आप ना जो कुछ भी बात बोलते हो ना लड़की को, लड़कियाँ ना उन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से याद रखती है। ठीक है, आपको शायद याद नहीं होगा कि आपने 6 महीने पहले किस लड़की के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को बताया था, लेकिन अगर आप अपनी बंदी से पूछोगे ना कि 6 महीने पहले मैं किस लड़की के बारे में तुम्हें बताया था, तो वो लड़की आपको तुरंत बता देगी, उस लड़की का नाम वगैरह हर एक चीज़ बता देगी। तो भाई अगर किसी लड़की को ना इस लेवल की चीज़ें आपके बारे में याद रहती है तो आप समझ लेना कि वो लड़की ना आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है, दूसरी पॉइंट की हम बात करते हैं वो है कि कितनी भी गुस्सा हो जाएगी वो लड़की लेकिन आपसे ना कभी ब्रेकअप वाली बात नहीं करेगी। भाई क्या होता है, जब भी हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना तो हमारे बीच में ना चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, ठीक है, हम ना ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वो जो हमारा पार्टनर है जिससे हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो हमसे दूर चला जाए। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर वो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती होगी ना तो आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी बड़ी फाइट हो जाए, ठीक है, चाहे किसी भी मैटर के ऊपर फाइट हो जाए, लेकिन वो लड़की कभी भी ब्रेकअप वाली बात बोलेगी भी नहीं। ठीक है, तो यार ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यार अगर कोई लड़की आपसे छोटी मोटी बात जो थोड़ी मोटी जो नोकझोंक होती है उसके बेस पे भी अगर ब्रेकअप चलने लगती है तो समझ लेना भाई कि उस लड़की के लाइफ में ना आपकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर आप चल जाओगे तो लड़की को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसी वजह से वो लड़की बार बार ब्रेकअप की बातें करती है। लेकिन अगर कोई लड़की आपके साथ बार बार लड़ती है लेकिन फिर भी कभी भी इस तरह की बातें, कभी भी अलग होने की बात नहीं करती, तो समझ लेना वो लड़की आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, तीसरी पॉइंट की हम बात करते हैं वो है भाई कि आपको टाइम देगी। भाई क्या होता है कि जब आप किसी के साथ नए नए रिलेशनशिप में आते हो ना, ठीक है, तो वो लड़की आपको टाइम देती है। ठीक है, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या होगा कि अगर वो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है, ठीक है, तो आप दोनों की रिलेशनशिप कितनी भी ज़्यादा पुरानी क्यों ना हो जाए, ठीक है, वो लड़की आपको हमेशा टाइम देगी। क्योंकि पता है क्या होता है, जब भी हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, ठीक है, तो हम जब भी फ्री होते हैं तो हमारे दिमाग में ना बार बार उसी का चेहरा आता है और हमारा ना बार बार मन होता है कि यार काश थोड़ी देर के लिए उससे बात हो जाए, और हम ना ट्राई करते हैं कि अपने काम से ना थोड़ा ब्रेक मिले ताकि हम उस लड़की से जा करके बात करें। और सेम चीज़ ना लड़की के साथ भी होता है, अगर वो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती होगी ना तो वो लड़की जब भी फ्री होगी, ठीक है, वो लड़की आपको कॉल करेगी। अब मान लेते हैं कि कभी उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आ गया, ठीक है, बट फिर भी ना वो लड़की आपके लिए कम से कम 5 मिनट निकालेगी, लेकिन निकालेगी। तो भाई यार ये 3 चीज़ें थी जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि वो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है या फिर नहीं करती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट करो, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू सो मच।